नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास शुरुआत। आज हम एक बार फिर से एलयूसीसी से करते हैं। एलयूसीसी का एक और विकेट गिरा, एक और अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना मैरोनी पुलिस द्वारा एलयूसीसी नाम की चिटफंड कंपनी बनाकर षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला एक नफर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उप महानिदेशक झांसी परिषद झांसी के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार क्षेत्राधिकारी मैरोनी अजय कुमार के निकटवर्ती पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मैरोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त विवेक चतुर्वेदी पुत्र अवध बिहारी चतुर्वेदी उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम पठा विजयपुरा थाना मैरोनी जिला ललितपुर को ग्राम पठा विजयपुरा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि हमारा एक संगठित ग्रोह है जिसमें हम एलयूसीसी कंपनी में निवेश करने के लिए लोगों को लाभ की बातें बताकर जोड़ते हैं। हम एलयूसीसी कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एलयूसीसी कंपनी का कार्यालय उत्तर प्रदेश के कई जनपद व कई राज्यों में स्थित है। इस कंपनी में हम लोग लालच देकर अब तक कई लोगों को जोड़ चुके हैं, गुमराह कर चुके हैं। 5 वर्ष में धन को दुगना करने की लालच देते हैं। जब हम लोग किसी भी क्षेत्र में हाईवे डूब क्षेत्र और लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों के पास पैसा आ गया तो इनकी निगाह बड़ी तेज हो जाती है और उस घर पर मड़राते रहते हैं जब तक कि वहाँ का उठा ना ले, एलयूसीसी में लगा ना दे, क्योंकि उसमें मिलता था इन्हें भारी भरकम कमीशन। ये तोते की तरह जवान पड़ रहे हैं। इस तरह से मैरोनी पुलिस द्वारा विवेक चतुर्वेदी पुत्र अवध बिहारी चतुर्वेदी है जो बोलते हैं देख रहे हैं, इनको पकड़ लिया। और ललितपुर पुलिस की बात करें, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की बात करें तो एलयूसीसी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। जिस तरह से एलयूसीसी का जो मकड़जाल ललितपुर जनपद में फैला था और ये खबरें जो हम दिखा रहे हैं ये गाजियाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। हर कोई ललितपुर पुलिस की तारीफ कर रहा है और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जिस तरह से हमें कमेंट्स आ रहे हैं और हम उन लोगों से भी कहेंगे कि हर जगह कार्रवाई होगी। बस आप लोग सचेत रहिए, कस्टमर सचेत रहिए और इनकी पूरी सूचना पुलिस में दीजिए, क्योंकि एलयूसीसी का जो मकड़जाल है अब ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है। एलयूसीसी को कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आ गया है पूरी तरह से। अब एलयूसीसी की छटपटाहट भी लाजमी है। वही गिरफ्तार करने वाली टीम की बात करें, कोतवाल विनोद कुमार मिश्र थाना मैरोनी, अतिरिक्त निरीक्षक उदय वीर सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह, हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह। तो जिस तरह से एलयूसीसी का एक और विवेक चतुर्वेदी जो जिस तरह से पुलिस ने दबोच लिया है और ना जाने अभी कितनी कार्रवाइयां बाकी है जनपद में और ना जाने कितने अभी विकेट गिरना बाकी है, और जिस तरह से एलयूसीसी पर ललितपुर पुलिस ने जो शिकंजा कसा है ये वाकई में काबिले तारीफ है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन हेतु नोडल अधिकारियों की बैठक सम्पन्न। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आलोक कुमार पारसर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14/9/2024 के आयोजन के संबंध में जनपद के समस्त नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। सुदामा दुबे बने एक बार फिर से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पत्रकार के हितों के लिए सदैव संघर्ष करने वाला प्रदेश का मान्यता प्राप्त सबसे बड़ा संगठन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ कुमार द्वारा मुझे पुनः एसोसिएशन ललितपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले हमारे द्वारा 17 वर्ष तक इस दायित्व का निर्वाह किया गया। 2000 से 2017 तक सुदामा दुबे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बतौर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के हर सदस्य का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद दिया मुझे और आज मुझे पुनः ये दायित्व संभालने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और आपके विश्वास पर खबर को दिखा रहे हैं जिसे आज हर किसी को देखने की जरूरत है। आज जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन को भी देखने की जरूरत है। रामराजपुर के मजरा तलुआ का ये मुख्य मार्ग है
और यहाँ पर ऐसी जानकारी है कि 1000 लोग लगभग यहाँ पर रहते हैं। ये जो सड़क देख रहे हैं ये पूरी तरह से कच्ची है और पानी जब गिर जाता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर मिट्टी व दलदल में तब्दील हो जाती है, यहाँ टैक्सी निकलना मुश्किल होती है। तो तब आप अंदाजा लगाइए कि कभी यहाँ पर जब एम्बुलेंस आती होगी तब क्या होता होगा। जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती होगी और यहाँ पर एम्बुलेंस आती होगी तब क्या होता होगा, बताइए। यहाँ पर टैक्सी नहीं निकल पाती, जब कोई गंभीर बीमारी की चपेट में आता होगा और जब यहाँ पर एम्बुलेंस आती होगी तब क्या होता है? क्योंकि बरसात में इस सड़क अक्सर जवाब दे जाती है और अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो खुद आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। पर पानी के समय में, बरसात के समय में वाकई में यहाँ लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। यहाँ के लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, पर इनका कहना है कि इनकी बात अभी तक किसी ने गंभीरता से नहीं है। कैलाश पाल, क्या दिक्कत है? अरे शहर में कीचड़ की वहाँ कड़ाई नहीं। कौन सा गांव है? तलंगवा, राजपुर गांव मेरा तलंगवा। तो वहाँ पर शहर कितनी है, कितने किलोमीटर की है? 3 किलोमीटर। गड्ढा है? गड्ढा है, कीचड़ भरे, वाहन फंस जा रहा, मोटरसाइकिल फंस जा रही, पैदल आदमी नहीं निकल पा रहा। पैदल आदमी नहीं निकल पा रहा, चल पा रहा हूँ पैदल ही निकल पा रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम उसको पक्की सड़क दें। विधायक जी से कहा, सांसद जी से कहा तुमने? सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं। सबको दे चुके हैं? पूरे कब से नहीं डली ये सड़क? कब से सड़क तो है ही नहीं। क्यों, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे 1000 की बस्ती है। ऋषि प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला महामंत्री ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला जिला ललितपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री अरुण गोस्वामी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि जैन धर्मावलंबियों को पर्यावरण पर्व को देखते हुए जैन शिक्षकों को 2 घंटे का अल्प अवकाश प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पर्यावरण पर्व के 2 घंटे का अल्प अवकाश की व्यवस्था भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वैद्युत कर्मी वैद्युत संयोजन जोड़ने के नाम पर मांग रहे रिश्वत के रूप में 1000। मामला ललितपुर जनपद से जुड़ा है, जहां पर दिव्यांग लक्ष्मी नारायण उर्फ बाबूलाल राजा राम लोधी निवासी ग्राम बमौरी कला ने मुख्यमंत्री के नाम पर एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि प्रार्थी ने लगभग 7-8 वर्ष पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रार्थी का कनेक्शन हुआ था, जिसका वैद्युत कनेक्शन संविदा कर्मी लाइनमैन देवेंद्र लोधी महेश्वरा द्वारा काट दिया गया था। जुड़वाने के नाम पर लेबर चार्ज के रूप में 1000 की रिश्वत मांगी गई। खाने लगा गई मोहाली के जाए कि उस पुल को दिखा रहे हैं, कई वर्षों से जर्जर हो चुका है और यहाँ पर निकलना जान जोखिम में डालना है। यहाँ अगर हम बात करें तो दोपहिया वाहन से लोग यहाँ निकलते हैं और चोटिल होते हैं। नगर तालबेहट के ध्रुवकोटी मंदिर मार्ग से लगे माता टीला जाने वाला प्रमुख मार्ग स्थित पुल क्षतिग्रस्त होने से यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। रास्ते की क्षतिग्रस्त पुलिया होने के कारण आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, जिससे बाइक सवार चोटिल होते हैं। पिछले कई वर्षों से पुल से आवागमन जारी है। क्षतिग्रस्त पुल होने के कारण लोगों को हमेशा आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यह मार्ग तालबेहट खांदी दुर्कुटी मंदिर का रास्ता है, कई ग्रामों को जोड़ता है। इस खबर के माध्यम से अधिकारी प्रशासन जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस क्षतिग्रस्त पुलिया की ओर हम आकर्षित कर रहे हैं कि मरम्मत हो या इस पुलिया का नवीन निर्माण हो, ऊंचा हो, क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश में पानी का स्तर बढ़ जाता है और यहाँ पर निकलने वाले जो लोग होते हैं वो जान जोखिम में डालकर यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।